करहाल तहसील परिसर में जनता के लिए पानी की नहीं एक बूंद, वहीं दूसरी ओर जनपद में उपलब्ध है ठंडा पानी। खबर करहाल से है, जहां भीषण गर्मी में सरकारी दफ्तरों में काम कराने आने वाली जनता के लिए पीने के पानी तक का कोई इंतजाम नहीं है। यह स्थिति करहाल तहसील मुख्यालय की, जहां SDM और तहसीलदार दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय हैं, जहां हर रोज काम कराने दूर दराज से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। सुबह से शाम तक काफ़ी लोगों की भीड़ तहसील में लगी रहती है, मगर इन लोगों को पीने के लिए पानी इधर उधर परेशान होना पड़ता है। मगर विभाग के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी को इस मामले में क्या लेना देना, क्योंकि उनके ऑफिस में तो प्यास बुझाने पानी के ठंडे कैंपर आते हैं। देखने दिखाने के लिए तहसील प्रबंधन ने परिसर के मुख्य गेट पर मटके रख दिए हैं। छत पर एकमात्र टंकी रखी हुई है और नीचे तमाम टोटियों के कनेक्शन हो रखे हैं, मगर इन सब दिखावे के बावजूद पानी के नाम पर एक भी बूंद नहीं है। मटके महीनों से खाली पड़े हैं, जिनमें धूल जम गई है। वहीं अगर बात करहाल जनपद पंचायत की करें, तो वहां सभी लोगों को ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है, जिससे साफ स्वच्छ पानी लोगों को पीने को मिल जाता है। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता मिस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए सर, ये देखिए, ये सूखे मटके हैं, ये अभी के नहीं रखे, ये महीनों पुराने रखे हुए हैं। मैं एक दो बार भी आया हूँ, जब भी इनको देखता हूँ तो ये ऐसे ही बजते हैं, इनमें पानी का नाम नहीं है। तो क्या मटकों का उपयोग क्या ढोलक के लिए कराया गया है क्या? ये सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये ढोलक बजाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं ये। अच्छा, ये मुख्य गेट पे इसलिए रखे गए हैं कि कभी कोई अधिकारी या तो लगे कि मटके रखे हैं। हाँ, मटका है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन इनमें पानी नहीं है। खास तौर से देखा जाता है, ये देखो ये बज रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, ये कुछ रखे हुए हैं पुराने, यहाँ पानी नहीं है। वो देखिए क्या हाल है यहाँ पानी व्यवस्था का। पानी की व्यवस्था के ये हाल है, देखिए आप, ये तहसील है, SDM कार्यालय है, यहाँ पर इतने लोग आते हैं क्षेत्र से, यानी कि 52 ग्राम पंचायतों के आदमी आते हैं यहाँ पर। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये टोटी है, इसमें क्या है कि आज पानी नहीं भरा गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, और ये 11 बज रहे हैं, आज गुरुवार है आज, और इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं आया है। क्या माना, ये आलम तो यहाँ की गंदगी बता रही है कि काफी समय से इनमें पानी नहीं आया है। पानी नहीं आया है, इसमें पानी है भी नहीं। अब ये अधिकारी लोग इस पे गौर ही नहीं करते हैं, आज तक किसी ने एक इसको देखा भी नहीं है कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। एक तरफ तो कलेक्टर साहब इतने संवेदनशील है कि गर्मियों में किसी को परेशानी ना हो। परेशानी नहीं होनी दे रहे, ग्राम पंचायतों में बहुत पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन तहसील में ही मुख्यालय पर ही देखिए आपकी, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है पानी। तो जो लोग आते होंगे ना, तो खरीद कर पानी पीना पड़ रहा होगा। जो लोग आते पानी पीना ही पड़ रहा है बेचारों को, इधर से कहीं होटल पैसे पीते होंगे, कहाँ से पीते होंगे। देखिए ना, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये इसमें से कहीं भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा। तो क्या ये कनेक्शन दिखावटी साबित हो रहा है? दिखावटी साबित हो रहे हैं, ये ऐसा ही लग रहा है ना। देखिए ना आप, यहाँ पर ये इसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। बहुत ठंडा पानी। संजय जी, क्या यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ पे ये स्थिति है, देखिए ये क्या फर्स्ट क्लास ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे। बहुत, ये वाटर कूलर लगा हुआ है के लिए संजय जी। जी हाँ, ये पानी सभी के लिए, जो भी यहाँ पे हितग्राही आते हैं, जो भी काम से आते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, सबके लिए अला हुआ ये पानी। सब लोग यहाँ पे पीते हैं ठंडा पानी। देखिए जनपद की कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बिल्कुल ठंडा पानी है। क्या कहते हैं, एक तरफ जनपद में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा है। अभी यहाँ पर वहाँ पर देखने गए थे SDM कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, तो वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है, खाली मटके दिखाने के लिए रखे हुए हैं वहाँ पे, और अंदर जो टंकी लगी हुई उसमें एक बूंद पानी नहीं है। जबकि SDM कार्यालय में ज्यादा लोग पहुंचते हैं, वहाँ पर जमीनों के बहुत काम रहते हैं आदमियों को, लेकिन सुबह से शाम तक ही खड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं आदमी, वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है। बताइए कितनी बेकार स्थिति है, जबकि कलेक्टर साहब के सख्त आदेश है कि भाई पानी का इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ तो धुर्रे उड़ रहे हैं पानी के। देखिए एक भी वहाँ पे कुछ साधन ही नहीं है पानी का, एक बूंद पानी नहीं है वहाँ पे।